Good morning, children. We shall be reading lesson 12, The Age of Machines. Children, today is the age of machines. For every work, from small to big, what we use? Machines. For example, you have to open a can. So what you use? You are using a can opener. This is a machine. And supposing you have to open a bottle, then what you have to use? A bottle opener. Okay? Some building has to be made, then what you have to use is a machine. This is a huge machine, big one. From this we conclude that for every work, it may be the small work, big work, we are using machines. In the playground also, we are using machine. This is a machine which we are using on our playground. We make machine. So, it means we are using machines at every step, all the time. खेल रहे हैं तो भी हमारी मशीनें हैं, कोई टॉय है उसको बैटरी से चला रहे हैं, वो चल रही है, घूम रहा है, दैट इज मशीन. सो बच्चे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाउ दीज मशीन्स वर मेड, हु मेड दीज मशीन्स, हाउ कम दे केम एंड दे वर अवेलेबल एवरीवेयर, हाउ, कैसे हो गया ये सब. Millions of years ago, children, early men lived without machines. They had no machines which we are using today. But because they were intelligent enough, they invented, first machine which they invented were the tools which were made of stone. सबसे पहला जो उसकी मशीन उसने invent की है मैंने, वो क्या थी? स्टोन टूल्स. वो स्टोन एज थी और उसमें उसने क्या किया, स्टोन टूल्स बनाए. लाइक दिस यू कैन सी स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल्स. ये भी उसकी एक मशीन थी टू किल एनिमल्स विद स्टोन्स. लाइक दिस ही मेड लाइक दिस. बट ग्रेजुअली व्हाट हैपन, he kept on inventing things and things, and from stones he went to make his machines with metals. धीरे धीरे एडवांसमेंट की उसने, और स्टोन के बाद उसने सबसे पहले डिस्कवर किया कॉपर. दिस इज चिल्ड्रन कॉपर, ही डिस्कवर्ड कॉपर. मैन डिस्कवर्ड कॉपर, सबसे पहला जो मेटल उसने डिस्कवर किया दैट वाज कॉपर, जो बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है, जल्दी मुड़ जाता है. और उसके बाद गोल्ड सिल्वर इन्वेंट किया, देन उसने आयरन किया. द नेक्स्ट वाज ही डिस्कवर्ड आयरन. आफ्टर ए फ्यू थाउजेंड इयर्स मैन केम अक्रॉस द रॉक्स कंटेनिंग आयरन. रॉक्स में से उसको आयरन मिली. Tools made of iron like axes, plows made man's life easier. Then what he made shovels and sickles. क्या बनाया iron का? सबसे पहले उसने sickles बनाए, इस तरह के. Made किसी को, animal को मारना है, cut करना है, land में से मिट्टी निकालनी है, तो then he made shovels. Okay, children? Shovels, ये early tools हैं. Then these tools, this is plow, plow कर रहा है field को. Then he became carpenter, blacksmith, farmer, potter and mason. धीरे धीरे से जब उसने iron कर लिया तो he became a professional man. तो उसने कई तरह के, वो कोई carpenter बन गया लकड़ी को काटने के लिए, उसने अपनी कोई आरी सी बना ली. आयरन आ गया तो सब कुछ हो गया. कोई आयरन बनाने वाला ब्लैकस्मिथ बन गया, वो आयरन के टूल्स ही बनाने लग गया, सिकल बनाने लग गया, प्लाउ शोवल बनाने लग गया. कोई फार्मर बन गया, प्लो करने लगा. तो लाइक दिस विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन ही बिकेम प्रोफेशनल. ईच डिस्कवरी मेड हिज लाइफ मोर कम्फर्टेबल. तो इसलिए कम्फर्टेबल हो गई लाइफ, आगे से बेटर हो गई. तो ही डिड नॉट स्टॉप देयर, ही केप्ट ऑन इन्वेंटिंग
things and gradually the man made the steam engine. Kisne banaya? Steam engine was made in 1769 by James Watt. This is the steam engine. Sabse pehla steam engine James Watt ne banaya, like this. Then children, uska next jo engine bana, that was made by Stephenson's, uska name hai rocket. ये नेक्स्ट टाइप का है. अब ये जो स्टीफनसन ने रॉक बनाया वो क्या कर रहा है, उसके साथ अब स्टीम इंजन जो है वो अपने साथ कैरी कर रहा है वैगन्स को, साथ में ये जो कार्ट है उसको कैरी कर रहा है. स्टीफनसन्स रॉकेट कुड कैरी 8 वैगन्स. कितनी वैगन्स, कितने कैरेजेस को ले जा सकता था? 8 कैरेजेस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. ये स्टीफनसन्स जो रॉकेट था, इंजन जो था, वो 8 कोल वैगन्स को कैरी कर सकता था. दीज आर द वैगन्स, कैरेजेस जो जिसको आज हम बोलते हैं, स्टीफनसन्स इंजन है. ये कोयले की 8 वैगन्स को एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकता था. दिस वॉज द रॉकेट. देन इन 1814 में तो ले जा रहा सकता था, और इन 1829 में पुल ए कोच विद 30 पीपल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. डू यू, इज इट सो इंटरेस्टिंग कि अब धीरे से पहले सिर्फ कोयले की वैगन्स को ले जा रहा है, फिर लोगों को भी खींच रहा है 50 किलोमीटर पर आवर. पैदल चलोगे तो कितना टाइम लगता है. और दिस वॉज द फर्स्ट लोकोमोटिव. देन स्टीम इंजन जो है ये सब चल रहे हैं कोल से, स्टीम से कोल. देन मास प्रोडक्शन. व्हाट इज मास प्रोडक्शन? स्टीम इंजन प्रोवाइड्स ए बिग फोर्स टू रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन्स. अब क्या है कि हाथ से जब बना रहे हैं, हैंड से तो बहुत टाइम लग रहा है, बट विद द यूज ऑफ मशीन्स, इंजन के साथ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज. बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी फटाफट बनने लग गई. बिग एंड स्मॉल मशीन्स वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस थिंग्स, दिस कुड बी डन वेरी क्विकली. तो ये था मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा ज्यादा सामान बनने लग गया. जैसे एक स्वेटर एक लेडी बना रही है तो उसको 10 दिन लग रहे हैं, अब मशीन से बन रहा है तो वो 10 स्वेटर एक दिन में बन रहे हैं, तो मास प्रोडक्शन हो गई, 100 स्वेटर बन रहे हैं. तो लाइक दिस स्टीम इंजन आने से काम बहुत क्विक होना शुरू हुआ, और फैक्ट्रीज बन गई. बिकॉज अब एक इंजन की जगह 10-10 इंजन एक जगह लग गए तो फैक्ट्रीज भी लग गई, तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया जी. स्टीम इंजन आने से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज मास प्रोडक्शन स्टार्टेड. अ फूड फॉर जायंट मशीन्स. Children, supposing there is a small machine, small opener ही ले लो आप. What you need? You need force. You need food. उस food means force. अब एक can ही खोलना है, जब तक bottle भी पड़ी है आपके पास और opener भी पड़ा है, वो नहीं bottle खुल पाएगी. किस क्या चीज़ की lacking है उसमें? उसमें force की lacking है. You have to apply force. When you open a bottle, you have an opener, but what is missing is the force. अब आपको फोर्स लगा के उसको खोलना है. तो जब आप अपने हैंड से फोर्स लगाओगे तो वो खुल जाएगा. Right, children? तो what machines need? They need force. They need food. They need force. अब छोटी छोटी मशीन तो हाथ से खुल जाएगी या हाथ से वो चल जाएगी. कोई भी छोटी मशीन आपने चलानी है वो हाथ से चल गई, पैरों से चल गई. बट इफ यू वॉन्ट मास प्रोडक्शन एंड यू हैव ह्यूज मशीन्स, यू नीड फोर्स. पहले फोर्स लग रही थी स्टीम की. स्टीम के लिए क्या चाहिए? कोल, वुड. स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? कोल एंड वुड. वॉज द फर्स्ट फ्यूल टू रन द मशीन्स. ये सबसे पहले हमारा फोर्स बनती थी कोल से. देन आया है मिनरल ऑयल. द नेक्स्ट इज द मिनरल ऑयल. हमारी नेक्स्ट क्या फोर्स लगी मशीन्स को चलाने के लिए?
मिनरल ऑयल, ओके। तो मिनरल ऑयल जो है वो डिस्कवर हुआ इन 1857 में। इट वॉज ड्रिल्ड डीपर एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलाइन एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये मिनरल ऑयल जो था उसके बाद जब वो आ गया हमारे हाथ में, तो अ जर्मन साइंटिस्ट था डेमलर, ही डिवेल्प्ड एन इंजन इन 1885 विच कुड रन ऑन पेट्रोल। अब पहले स्टीम से चल रहे थे, अब 1885 में, जैसे मैंने बताया 1829 में हमारा रॉकेट ने 30 लोगों की वैगन को खींचा था, 50 किलोमीटर चल रही थी वो। अब 1885 में जर्मन साइंटिस्ट है डाइमलर, इसने क्या किया, इसने पेट्रोल इंजन बना दिया। लाइक इट वाज लाइक दिस, ये पेट्रोल से चल रहा है, अब धुएं नहीं छोड़ रहा। ये कब बना है, ये 1885। ओके चिल्ड्रन, दिस इंजन इज वर्किंग विद पेट्रोल, ये पेट्रोल से चल रहा है और ये इस तरह से फिर उसने बना दिया। पेट्रोल से चल रही है ये वैगन जो भी है, लाइक दिस। ये फर्स्ट पेट्रोल से चलने वाला इंजन है, लाइक दिस, जो बाद में हमारी कार वगैरह हम चलाने लगे। देन रोडोल्फ डीजल, इसने क्या किया, रोडोल्फ डीजल ने डीजल से चलने वाला बना दिया। अब इन्वेंटिंग एन इंजन दैट कुड रन ऑन डीजल, इट वॉज चीपर देन पेट्रोल, इट कुड बी यूज टू रन हैवी ट्रक्स, बसेस, रेलवे वैगन्स, पंप्स एंड इवन जनरेटर्स। ये ऑयल रिफाइनरीज शुरू हो गई, ऑयल रिफाइन होना शुरू हुआ, जो ऑयल के साथ में जब नीचे से ज़मीन से निकालते हैं, वाटर भी हो सकता है उसमें, बहुत ज़्यादा मिक्सड अप मटेरियल्स हो सकते हैं, उसको रिफाइन बनाते हैं फिर, सो दैट दे कुड, बिकॉज इंजन के अंदर अगर मिट्टी आ जाती है या पानी आ जाता है या उसके अंदर कोई और ऐसे कोई चीज़ आ जाती है तो वो रुक जाती है, तो उसके लिए ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है, तो बिग रिफाइनरीज हो गई। देन अगली नेक्स्ट फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंजन को चलाने के लिए द नेक्स्ट फोर्स विच वॉज इन्वेंटेड बाई वाटर बाई मैन वॉज इलेक्ट्रिसिटी, ए न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिवेल्प टूडे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोस्ट ऑफ इट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोल, मिनरल एंड नेचुरल गैस, सम इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रनिंग वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके चिल्ड्रन, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली फोर्स आई, उसके बाद हमारी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने क्या, सबसे पहले बिजली जो थी उसने निकाली थी, इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था। ओके चिल्ड्रन, जब इलेक्ट्रिसिटी आई देन व्हाट हैपेंड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गए, सो मैनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फ्लडेड, फ्लड हो गया फिर हमारे, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो ये हैं। तो इस तरह से ये सारे, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये सब मशीन्स हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गए। तो उसके बाद चिल्ड्रन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से दोबारा से काम में ला सकते हैं, जो इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक जैसे दे आर फ्रॉम विंड, वाटर एंड सन, इससे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। सन लाइट से एनर्जी आती है, विंड से एनर्जी आती है, वाटर से एनर्जी आती है, वाटर से हाइड्रो एनर्जी आती है, और सोलर एनर्जी जो है, ये वाटर से डैम बना, वाटर से डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती बनाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से हमारा हीटर, सोलर कुकर, सोलर सेल्स, ये सब चलते हैं, अब तो लाइट वगैरह सब सोलर एनर्जी से आती है, घरों के ऊपर सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगे हैं। विंड एनर्जी जो है वो सेलिंग विंड्स, विंड मिल, वो भी बहुत काम आती है,
तो इस तरह से हमारी मशीन्स जो है आजकल, ये विंड एनर्जी है, तो ये सारी हमारी मशीन्स जो है वो एनर्जी से चलती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, और चलाने के लिए हमें गैस, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सन, विंड, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो एनर्जी कहाँ से आती है? इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल डंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ह्यूमन एक्सक्रीशिया, इनको से जो गैस पैदा होती है इसको बायो एनर्जी बोलते हैं। इट्स एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटिंग, ऑल्सो इन रूरल एरिया इट इज़ बींग इंक्रीजिंगली यूज। तो हमें अपनी एनर्जी को बचाना है चिल्ड्रन, आज हमें वी हैव टू सेव एनर्जी ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनी रहे, हम लाइफ इंजॉय करते रहें, हमारी जो प्रोडक्शन होती रहे जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, हमें अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, बचाना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।